हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में जो हाइस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है। इसके पहले जो दो वीडियो मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बनाए थे उनके दोनों के लिंक्स मैंने यहाँ नीचे प्रोवाइड कर दिए हैं इस वीडियो के, आप उनको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले होता क्या है, हमारा जो होस्टिंग का मतलब होता है, आप होस्टिंग इज दी ऑपरेशन ऑफ लिफ्टिंग दी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सामान को पहुंचाना ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, हमारा होस्टिंग कहलाता है। जब होस्टिंग करते हैं तो उस केस में हमारा जो जब लोड हमारा कुछ देर तक सस्पेंशन में रहता है एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो हमारा जो होस्टिंग इक्विपमेंट्स है दैट मस्ट बी स्ट्रांग एनफ होना चाहिए टू निगोशिएट द लोड फॉर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। सो द होस्टिंग इज द लिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट ग्रेविटी एंड मे बी डन विथ अ वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रॉम द स्मॉल हैंडेड ऑपरेटेड। पहले जो स्टार्टिंग में हमारे जो होस्टिंग इक्विपमेंट्स आए उसमें हमारा जो सिंपलेस्ट थिंग्स थी वो स्क्रू थी, हाइड्रोलिक जैक्स आए, फिर धीरे धीरे इस समय जो हमारे होस्टिंग इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं दे आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ हाई पावर्ड क्रेन्स एंड एलिवेटर्स। अब जो मैं लिस्ट आउट करूंगा यहाँ पे कौन कौन से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होस्टिंग इक्विपमेंट्स के कैटेगरी में आते हैं वो हैं पुली एंड शीव ब्लॉक, चेन होइस्ट, मोबाइल क्रेन्स, विंच, जैक, शियर लैग्स, टावर क्रेन्स, वर्लर क्रेन्स, डायरेक्ट क्रेन्स एंड गैंट्री क्रेन्स। अब मैं वन बाई वन इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सबसे पहला जो है हमारा पुली एंड द शीव ब्लॉक। जो पुली होती है हमारी दैट इज द सिंपलेस्ट हॉलिंग इक्विपमेंट, इट इज हैविंग द चेन विथ वायर रोप्स एंड दीज आर यूज इन अ वराइटी ऑफ वेज टू लिफ्ट लोड्स एंड अप्लाई फोर्सेज एंड पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। पुली में अभी एल्सो कॉल्ड अ शीव और अ ड्रम एंड मे हैव अ ग्रूव बिटवीन टू फ्लैंजेस अराउंड इट सर्कमफेरेंस। इसमें जो पुली होती है उसके सर्कमफेरेंशियल पोर्शन में हमारी चेन या रोप अटैच रहती है विच इज यूज टू ट्रांसमिट लोड और पावर। उसके बाद हमारा फॉर दिस पर्पज चेन्स एंड वायर रोप्स आर यूज, जो हमारी एलॉय चेन्स होती हैं हमारी हॉस्टिंग ऑपरेशन में सबसे बेस्ट मानी गई हैं एलॉय चेन्स। जो वीकेस्ट कंपोनेंट होता है सिस्टम का वो लोड हुक होता है, द हुक फेल्स बाय स्ट्रेटनिंग सो इट शुड बी डिजाइंड प्रॉपरली एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड व्हेन इट्स एलोंगेटेड। यहाँ पे मैंने टिपिकल जो पुली और ब्लॉक का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है कि दीज आर द पुली एंड दीज आर द पुली एंड दिस इज द रोपवे सिस्टम which is used to transmit the load from one place to another place and same is depicted in the figure here। उसके बाद हमारे जो hoists होती हैं, hoist कई सारी categories की होती हैं, हमारी boom hoist होती है, chain hoist होती है और हमारी electric hoist होती है। जो हमारी boom hoist होती है वो हमारी जनरली आपने देखा होगा जो हमारे रोड्स वगैरह में लाइटिंग को ठीक करने के लिए जो हॉइट्स यूज होती हैं, दे कैन लिफ्ट अप टू 5 to 7 meters, इनकी जो रेंज होती है दे कैन वर्क अप टू 5 to 7 meters, सो डिजाइंड प्रॉपरली बिकॉज सेफ्टी कंसिडरेशंस में जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारा जो चेन हॉइस्ट होता है दे आर द पॉपुलर मैकेनिज्म फॉर लिफ्टिंग लोड्स अप टू टन्स, जनरली ये हमारा 5 tons तक हमारी जो चेन हॉइस्ट हैं वो यूज कर ली जाती हैं। द हैंड चेन्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द आइसोलेटेड लोकेशन वेयर एन इलेक्ट्रिक मोटर अदर टाइप ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, और अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोर्शन यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल हॉइस्ट कहलाती है। ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल हॉइस्ट होती है ये हमारी वर्कशॉप्स फैक्ट्रीज में जनरली मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज की जाती है, सो इट सेव्स लेबर एटसेट्रा, सो हमारी कॉस्ट सेविंग होती है इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो
the load to be lifted is to be held by a load hook, while another hook called support hook at the top and support the mechanism. The two hooks, however, should not be interchanged, as the support hook is made much stronger than the load hook. There are four types of hand operated chain. Usko char categories mein baata gaya: differential, screw geared, spear geared, and pull lift. उसके बाद हमारा ये मैंने यहाँ मैकेनिज्म दिखाया रखा है कि हाउ द चेन पुली के ऊपर हमने अपनी चेन सिस्टम को अरेंज किया हुआ है एंड इट कैन लिफ्ट लोड अप टू 5 टन्स. जो हमारी 5 टन्स तक उठा सकती है लोड, और जो हमारी इलेक्ट्रिक हॉइस्ट होती हैं मॉडर्नाइज फॉर्म हो सकती होती हैं हमारी. उसके बाद हमारी आता है जो नेक्स्ट अरेंजमेंट है विंच. विंच हमारा एक मैकेनिज्म होता है सिलेंड्रिकल या ड्रम फॉर्म में, ओवर विच रोप आर अ चेन इज बाउंड. इफ द विंच इज यूज ओनली फॉर रेजिंग अ लोअरिंग इट इज समटाइम्स रेफर टू एज हॉइस्ट. अगर हम विंच को रेजिंग या लोअरिंग करने के लिए यूज करते हैं तो वो हॉइस्ट को कहलाई जाती है. द विंच आर ऑफ टू टाइप्स, हैंड विंचेस एंड पावर विंचेस. सो दो तरीके होती है. यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट शो किया हुआ है कि हमारा मशीन मीन्स सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू रोटेट इट, एंड यहाँ पे मैनुअली हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द लोड. उसके बाद हमारा जो क्रेन है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इक्विपमेंट होता है, और ये हमारा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स मोस्ट पॉपुलर, इससे हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इसको केयरफुली समझें. यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्रेन्स को. इसमें जो पहली कैटेगरी की क्रेन है वो है मोबाइल क्रेन. इट इज़ मोबाइल क्रेन जो होती है हमारी, मोबाइल से आप नाम समझ रहे हैं, इट इज़ नोन फॉर इट्स मोबिलिटी. अब मोबिलिटी कैसे आएगी, दो तरीके से आ सकती है. अगर वो क्रॉलर माउंटेड है या हमारा व्हील माउंटेड है. हमारी जो क्रेन है वो क्रॉलर पे माउंटेड है या व्हील पे माउंटेड है, तो इसलिए हमारी मोबिलिटी की वजह से मोबाइल क्रेन्स कहलाती हैं. और दे कैन वर्क अप टू हाइट लेस देन 107 मीटर्स, और जो ये होती हैं हमारी शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स में यूज़ की जाती हैं. शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स में लेस देन जनरली 4 मंथ्स पीरियड में जो प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है. और दे आर यूज एट वेयर देयर इज सफिशियंट स्पेस बिकॉज दे रिक्वायर एडिक्वेट ऑपरेटिंग क्लियरेंस वाइल वर्किंग, अदरवाइज ये इन्फ्रिंज कर जाएंगी और दिक्कत करेंगी काम करने में. इसलिए हमें साइट प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए और जगह होनी चाहिए काम करने के लिए. जनरली ये दीज आर यूज फॉर अनलोडिंग एंड अनलोडिंग द मटेरियल्स इन कोल माइंस एंड शिप्स. जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर ये क्रेन्स आपको देखने को मिलेंगी. एंड इट इज़ यूज टू टेक द लोड फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड प्लेस इट इन टू द ट्रक्स. उसके बाद हमारा जो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे जो हमारी क्रेन है ये दिस इज क्रॉलर माउंटेड क्रेन है. इसके बहुत सारे मेंबर्स यहाँ दिख रहे हैं. ये लटाइज बूम कहलाता है, ये लोअर शीव, ये हुक है, ये हॉइस्ट रोप है. दिस इज यूज्ड फॉर हॉइस्टिंग. हॉइस्टिंग मीन्स लिफ्टिंग. और जो हमारी गाई लाइन्स होती हैं ये हमें क्रेन बूम को लिटरली मूव करने में हेल्प करती हैं. ये हमारी बॉन्डिंग ड्रेम और स्विंग प्लेटफॉर्म है. ये आउट ट्रिगर है. ये हमारा जिप बैक स्टे है, जिप स्ट्रट है. ये हॉइस्ट रोप है हमारी, जो हॉइस्ट केबल जा रही है उसके आगे का पोर्शन है. इसको गाई लाइन बोलते हैं, जिप गाई लाइन, विच कंट्रोल्स द मूवमेंट लिटरली. जब हम लेटरल डायरेक्शन में काम करेंगे, रोटेशन में काम करेंगे, तब जिप गाई लाइन से हम इस क्रेन के बूम को कंट्रोल करेंगे. उसके बाद हमारे यहाँ पे दोनों को मैंने डिपिक किया हुआ है कि ट्रैक माउंटेड व्हील माउंटेड क्रेन के जो जनरल अरेंजमेंट है वो कैसे डिफर करता है. यहाँ क्रॉलर है, यहाँ पे व्हील्ड है. ये मोबिलिटी के लिए जानी जाती है. एट ट्रेवल कैन ग्रेटर आउटपुट देती है, हायर स्पीड होती है, एंड कैन नीड्स अ फर्म एंड लेवल ग्राउंड फॉर इट्स वर्किंग. बट ये हमारी जो होती है अनइवन टेरेन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इसको आसानी से, एंड ये बट थोड़ा कॉस्टली होती है. उसके बाद हमारी जो क्रेन्स हैं वो आती हैं टावर क्रेन्स. टावर क्रेन्स जो होती हैं हमारी जनरली 107 मीटर टू 110 मीटर हाइट में, ये जब बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ यूज़ की जाती हैं, और दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिक्वेट क्लियरेंस फॉर वर्किंग.
सो द हाइट ऑफ टावर, जो इनका टावर होता है जो क्रेन्स का, वो जनरली 25 से 30 मीटर होता है। दिस क्रेन आज फाउंड टू बी सुटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इन कंजेस्टेड एरियाज, जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनते हैं जनरली उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए टावर क्रेन्स, क्योंकि वो ऐसा रेजिडेंशियल एरिया होता है और वहाँ पे जगह नहीं होती काम करने की। सो हम ये क्रेन्स को इस्टेब्लिश करना, सेटअप बनाना, इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है एंड दे कैन लिफ्ट द लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैन रोटेट अराउंड 360 डिग्री, 360 डिग्री तक स्विंग कर सकती हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी। और इसके बाद आता है हमारा ये, यहाँ पे इसके मैंने कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे हमें काउंटर वेट बैलेंस करना होता है, काउंटर वेट डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम लोड विच हैज़ टू बी कैरीड बाई दिस, मैक्सिमम लोड जो हमारे उठाना है स्क्रीन को उसके बेसिस पे हम काउंटर वेट डिसाइड करके यहाँ काउंटर वेट रख लेते हैं और इससे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमारा केबिन होता है, जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ बैठता है एंड ये जनरली 25 से 30 मीटर होता है इंस्टॉलेशन। और नीचे हमारा इसका हमें सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है, जो बेस होता है जिसे कहते हैं बेस, यहाँ पे हमें प्रॉपर बेस बनाना होता है एंड इट कैन बी इवन इस्टेब्लिश्ड ओवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। सो जो टावर क्रेन होता है बहुत ही एडवांटेजियस होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर टॉल इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ये इसके थोड़ा सा फोल्डेड पोजिशन है। इसके बाद आता है हमारे वर्लर केन्स। जो वर्लर केन्स होती हैं ये हमारी स्टेशनरी एंड मोबाइल यूनिट का कम्बिनेशन होती हैं। इट हैज़ द कैपेबिलिटी एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग बूम ऑफ डेरिक क्रेन एंड मोबिलिटी ऑफ द मोबाइल क्रेन, मतलब मोबाइल क्रेन की तरह भी काम कर सकते हैं और डेरिक क्रेन की तो ये दोनों कैटेगरी में जब काम कर रहे तो उन्हें हम वर्लर क्रेन्स कहते हैं। जो रोटेटिंग स्ट्रक्चर होता है हैज़ एन आउटर फ्रेमवर्क, जो बूम होता है फ्रंट एंड से अटैच होता है, जो काउंटर वेट होता है वो रियर एंड में अटैच होता है, टू अकॉर्डिंग टू दी जो हमें वेट कैरी करना है उसके बेसिस पे हम काउंटर वेट डाल देते हैं। ओके और दोनों पार्ट्स हमारे इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, उन्हें हम वर्लर क्रेन्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेरिक क्रेन्स। डेरिक क्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉइस्टिंग इक्विपमेंट्स का, इसका सेमेटिक डायग्राम पूछा जाता है और ये कैसे ऑपरेट करती हैं ये समझना जरूरी है। जो डेरिक क्रेन्स होती हैं दो तरीके की होती हैं, गाय डेरिक क्रेन्स एंड स्टिफ। गाय मीन्स हमारी रोप्स, इसमें हमारी दो तीन कैटेगरी की आती हैं, ब्रिडल रोप्स भी कहते हैं या डेरिकिंग रोप्स भी कहते हैं इन्हें। और स्टिफ लेग मीन्स जब इन गाय रोप्स को हम ट्रस से रिप्लेस कर देते हैं, ट्रस्ट स्ट्रक्चर से, तो हमारी वो स्टिफ लेग डेरिक कहलाती है। द गाय डायरेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मास्ट एंड सपोर्टेड बाई नंबर ऑफ गाइज एंड कैन रिवॉल्व थ्रू 360 डिग्री पूरा रोटेट कर सकते हैं। वाइल रिवॉल्विंग द रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन शुड बी सच दैट रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाई गवर्स, कि रोटेशन जब हमारा हो रहा हो तो हमारा जो गाय वायर्स हैं वो इन्फ्रिंज नहीं करने चाहिए। सो उनका प्रॉपरली उनको अरेंज करना इस तरह है कि उनके इन्फ्रिंजमेंट ना बने। और जनरली वो डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होती हैं डेरिक क्रेन्स। और दीज इसकी जो टिपिकल डेरिक मैंने इलस्ट्रेट की हुई है, दे कैन हैव अप टू कैपेसिटी ऑफ 200 टन कैपेसिटी। इनको हम मास्ट डेरिक क्रेन्स को मास्ट क्रेन भी बोलते हैं। और जो हमारा दीज जो स्टिफ लेग डेरिक्स हैं यानी क्रेन्स हैं, ये दीज आर यूज्ड फॉर मूविंग हैवी लोड्स, बिकॉज यहाँ पे हमें ब्रेसिंग की तरह एक हमारा अरेंजमेंट दिया होता है जो मास्ट को लिटरली सपोर्ट करता है एंड दिस टाइप ऑफ डेरिक्स आर सुटेबल फॉर 10 टू 50 टन्स। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं इसके कंपोनेंट आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा है इसको वर्टिकल मास्ट कहते हैं, जो ये कंपोनेंट है इसको ये लिटरली ब्रेस कर रहा है जिसकी वजह से इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है बढ़ जाती है, इसे हम बैक लेग बोलते हैं या इट्स एक्ट एज अ ब्रेसिंग फॉर दी। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये गाई लाइंस कहलाती हैं, ये जो हमारी होती है ये हॉइस्ट लाइन कहलाती है, ये हमारा जो मेंबर ये जिसे हम बूम कह रहे हैं या जीप कह रहे हैं, ये पोर्शन जो है हमारा जीप हेड पुली है जिससे हमारी फर्दर हमारा यहाँ पे हुक फॉर लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल इज अटैच्ड। यहाँ पे हमारा कैब होता है, कैब विथ पावर ड्रिवन अरेंजमेंट, ये स्टिफ लेग डेरिक क्रेन है,
यहाँ पे हमारा स्टिफ लेग मीन्स इट इज एक्टिंग इन सच अ वे कि वो लिटरली सपोर्ट कर रहा है जब वो लोड हमारा लिफ्ट कर रहा है वर्टिकली. सो दिस इज द अरेंजमेंट. उसके बाद हमारी अभी एक और तरीके की क्रेन्स हैं जो गैंट्री क्रेन्स कहलाती हैं. इसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है, दीज आर द इनको ओवरहेड क्रेन्स भी बोलते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर हैं ये वर्कशॉप्स में और जो इंडस्ट्रीज होती हैं रेक्टेंगुलर शेप की, बड़े बड़े हॉल जिसमें होते हैं. उसमें करते क्या हैं, देयर आर टू बीम्स, दो बीम्स होती हैं जिसके ऊपर ये हमारी ब्रिज दो इंस्टॉल की जाती हैं. इस पर हमारी ये इंस्टॉल होती है एंड इट कैन मूव इन थ्री डायरेक्शंस. इट कैन मूव वर्टिकली लिफ्ट द लोड, इट कैन मूव लेटरली, इट कैन मूव इन द फॉरवर्ड और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. सो दीज आर मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड इसमें थ्री मूवे मूवमेंट पॉसिबल होता है, थ्री वे मूवमेंट इज पॉसिबल. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्रेन्स हैं ये. इन लार्ज वर्कशॉप देर आर सेपरेट मशीन्स फॉर फैब्रिकेशन आर रिपेयर्स ऑफ द मशीन पार्ट्स. द मशीन आर द कंपोनेंट्स विच आर टू बी रिपेयर कैन बी ट्रांसफर टू द प्लेस ऑफ फैब्रिकेशन आर असेंबली विद द हेल्प ऑफ गैंट्री कार्स. जो भी हमारे जहाँ पे भी कंपोनेंट्स फैब्रिकेट हो रहे हैं तो इनको ऑटोमेटिकली हम गैंट्री क्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज दी गर्डर बीम जिसके ऊपर ये हमारा इट कैन मूव इन लेटरल डायरेक्शन, इट कैन मूव इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड इट कैन लिफ्ट द लोड इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड शिफ्ट इन लेटरल आर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. ये हमारी फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ऊपर से हमारे ये सेटअप किया गया है, बीम्स का एंड देन गर्डर्स का. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें. नेक्स्ट वीडियो में मैं हॉलिंग इक्विपमेंट्स डिस्कस करूँगा और कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट जो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी डिस्कस करूँगा. थैंक यू.